181 दिन बाद आज जेल से बाहर आएंगे संजय सिंह। जाने केस से जुड़ी हर बड़ी बात। संजय सिंह को दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। तब से ही संजय सिंह जेल में बंद थे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी को जमकर फटकार लगाई। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह 6 महीने के बाद आज जेल से बाहर आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें बेल दे दी थी। संजय सिंह को दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। तब से ही संजय सिंह जेल में बंद थे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी को जमकर फटकार लगाई। जमानत देने से पहले संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराल ने ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि क्या ईडी को संजय सिंह की और कस्टडी चाहिए। पीठ ने एसवी राजू को यह भी कहा कि संजय सिंह के पास से कोई पैसा नहीं मिला है। उनके ऊपर जो 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है उसे ट्रायल में भी जांचा जा सकता है। इससे पहले कोर्ट ने ईडी से कहा था कि अगर एजेंसी अभी भी संजय सिंह को हिरासत में रखने की दलील देती है तो ऐसी सूरत में कोर्ट को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA की धारा 45 के तहत जमानत अर्जी पर विचार करते हुए मुकदमे की योग्यता पर विचार करना होगा। क्या है धारा 45 जिसमें संजय सिंह को मिली जमानत? धारा 45 के तहत जमानत अर्जी पर विचार करते हुए कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त होना पड़ता है कि आरोपी ने वो अपराध नहीं किया है और भविष्य में कोई ऐसा अपराध किए जाने की आशंका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि PMLA की धारा 45 के तहत इन शर्तों के चलते अगर संजय सिंह की जमानत अर्जी की योग्यता पर कोर्ट विचार करता है तो फिर कोर्ट को ये भी तय करना होगा कि संजय सिंह के खिलाफ पहली नज़र में कोई मामला बनता है या नहीं। अगर कोर्ट योग्यता पर संजय सिंह को जमानत देने का फैसला लेता है तो फिर उसे संजय सिंह के खिलाफ केस पर भी टिप्पणी करनी होगी और ऐसी कोई टिप्पणी का असर फिर निचली अदालत में चलने वाले ट्रायल पर भी होगा। ईडी ने नहीं किया जमानत का कोई विरोध। ऐसे में ईडी ने जमानत का विरोध ना करने का फैसला लिया और कोर्ट ने भी केस की मेरिट पर टिप्पणी किए बगैर की जमानत देने का फैसला ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह को जमानत देते हुए कहा कि वो बीते 6 महीने से जेल में थे। ईडी ने भी संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया, वे राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करें। इससे पहले संजय सिंह ने हाई कोर्ट में भी कहा था कि वो महीनों से जेल में हैं और अब तक इस घोटाले में उनकी कोई भूमिका सामने नहीं आई है। ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। दिनेश अरोड़ा के बयान पर ईडी ने किया था गिरफ्तार। संजय सिंह की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि इस केस में आरोपी रहे दिनेश अरोड़ा से जेल में रहते हुए ईडी ने 10 बार बयान लिए थे। किसी भी बयान में दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह का नाम नहीं लिया। इसके बाद ईडी ने दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बना लिया और फिर से उनसे बयान दर्ज कराए गए। 11वीं बार के बयान में भी दिनेश अरोड़ा ने गोलमोल ही जवाब दिया था। इसके बावजूद ईडी ने राज्यसभा सांसद को गिरफ्तार कर लिया। पहले आरोपियों में से एक है दिनेश अरोड़ा। दिनेश अरोड़ा दिल्ली के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार होने वाले पहले आरोपियों में से एक है। दिनेश से पहले ही 10 बार बयान लिए जा चुके हैं, लेकिन अगस्त 2002 में दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गया था। ईडी ने चार्जशीट में आरोप लगाया था कि दिनेश अरोड़ा ने सीएम केजरीवाल से उनके आवास में मुलाकात की थी। इस दौरान संजय सिंह भी वहां मौजूद थे। यही नहीं, चार्जशीट में कहा गया है कि दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह की पहले भी मुलाकात हो चुकी थी। इसके बाद वो मनीष सिसोदिया से मिला था। इसके बाद संजय सिंह के कहने पर ही अरोड़ा ने कई रेस्टोरेंट मालिकों से बात की। दिल्ली चुनाव के लिए दिनेश अरोड़ा ने फंड जुटाया और 32 लाख रुपए का चेक मनीष सिसोदिया को दिया।